गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को अध्याय 4 व्यायाम, इससे पहले भी थोड़ा सा रीडिंग करवाई थी और कल भी जूम क्लास में ले रही थी, लेकिन वो नेटवर्क इशू की वजह से करवा नहीं पाई, तो आज मैं फिर से रीडिंग करवा रही हूँ। आप शुरू से ही करवा रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुने। मनुष्य के लिए वायु, जल और अन्न की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता उससे व्यायाम की भी है। यह सच है कि व्यायाम के बिना जैसे मनुष्य वर्षों जीता रह सकता है, वैसे ही आहार और जल, वायु और अन्न के बिना नहीं रह सकता। क्या है व्यायाम? तो जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यायाम नहीं करेंगे तो हम नहीं जी सकते। अन्न और जल के बिना, वायु के बिना हम नहीं जी पाएंगे, लेकिन व्यायाम नहीं भी करेंगे तब भी हम जी सकते हैं। लेकिन व्यायाम भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, पर यह मानी हुई बात है कि मनुष्य व्यायाम के बिना अपना आरोग्य कायम नहीं रख सकता। यानी कि मनुष्य अपना से आरोग्य यानी शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता, जब तक व्यायाम नहीं करेगा नहीं रख सकता। आहार के समान यहाँ व्यायाम शब्द से भी व्यापक अर्थ लेना होगा। यानी जैसे आहार जरूरी है, वैसे व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम माने केवल गुल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट या हवा खाने के लिए जाना ही नहीं है। व्यायाम का अर्थ शारीरिक से मानसिक तथा व्यायाम शारीरिक मानसिक व्यायाम भी है। यानी कि सिर्फ खेलना कूदना या टहलना ये ही व्यायाम नहीं है। व्यायाम यानी कि शरीर शारीरिक कि शरीर भी काम करे और मन भी काम करे, इसके लिए व्यायाम भी जरूरी है। शरीर का भी चलना होना चाहिए और शारीरिक परिश्रम भी होना चाहिए और मानसिक परिश्रम भी, तभी व्यायाम का मतलब होगा। जिस तरह अस्थि मांस और मन को आहार चाहिए, उसी प्रकार शरीर और मन को व्यायाम भी जरूरत होती है। जिस तरह अस्थि मांस और मन को आहार चाहिए, मन को चाहिए ना सब कुछ, तो उसी तरह व्यायाम भी चाहिए। उसी प्रकार मन को व्यायाम भी जरूरत है। शरीर को व्यायाम ना मिले तो मन शिथिल होता है। अगर हम कोई भी काम नहीं करते हैं, चुपचाप शांत चित बैठे रहते हैं, तो मन क्या होता है? भारी भारी सा होता है, अकेलापन महसूस होता है, यानी कि शिथिल हो जाता है। मूर्छा भी एक प्रकार का रोग है। यानी बिल्कुल शिथिल हो जाना, शांत रहना, ये भी एक प्रकार का क्या है? रोग है। कोई भारी पहलवान कुश्ती लड़ने में चाहे शक्तिमान हो, पर अगर उसका मन लड़के का सा चंचल हो, तो उसके विषय में आरोग्य शब्द का प्रयोग करना हमारी भूल है। अगर कोई पहलवान खूब बहुत बड़ा पहलवान हो, लेकिन लड़ाई के समय में उसका मन लड़ाई में नहीं लगे, तो उसके लिए ये व्यायाम मतलब उसके लिए आरोग्य शब्द का प्रयोग करना जो है वो क्या है? आरोग्य शब्द का प्रयोग करना उसके लिए गलत है, गलत सिद्ध होगा कि वो बलवान है या बहुत शक्तिमान है, ये कहना उसके लिए गलत होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जिसके निरोग शरीर में निरोग मन हो, आरोग्य उसी को प्राप्त हुआ समझना चाहिए। अंग्रेजी में है एक कहावत जिसमें कहा जाता है कि निरोग शरीर में यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, उसी को आरोग्य प्राप्त होना कहा जाता है। ऐसे व्यायाम कौन से हैं? प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसी योजना कर रखी है कि हम लोग दिन भर व्यायाम ही किया करें। प्रकृति जो है सो हमारे लिए ऐसा व्यवस्था कर रखी है जो कि हम दिन भर लगे रहेंगे, एक तरह से व्यायाम में ही लगे रहेंगे, कामकाज में जुटे रहेंगे तो व्यायाम में ही लगे रहेंगे ना। शांत चित्त से विचार करके देखा जाए तो मालूम होगा कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में लोग खेती पर ही अपना गुजारा करते हैं। खेतिहर के घर के सब मनुष्यों का अपने आप ही व्यायाम हो जाता है। ये लोग जब दिन में 8-10 घंटे बल्कि इससे भी अधिक काम करते हैं, तभी उन्हें अन्न वस्त्र मिलता है। उनके मन को और व्यायाम की जरूरत नहीं होती। खेतिहर मूर्ख दशा में काम ही नहीं करता, उसे मिट्टी की पहचान होनी ही चाहिए।
क्या है, हमारे देश की अधिकतर जनता क्या है, खेती पर ही निर्भर है। जब हमारा खेती होगा तभी तो हमें अन्न वस्त्र सब कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि अन्न उपजेगा तब उसको हम बेचेंगे, पैसे होंगे तो उसे वस्त्र भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अधिकतर लोग इसी में, जब जो किसान खेती करता है वो 8-10 घंटे काम करता है, 8-10 घंटे काम नहीं करेगा तो खेती उसका संभव नहीं है। और वो 8-10 घंटे काम समझो व्यायाम से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा तो देश ऐसा है जिसमें लोग अपने आप हर समय व्यायाम में ही लगे रहते हैं। तो और जिन्हें आठ दस जो जिन्हें अपने खेती का पहचान ना हो, मिट्टी की पहचान नहीं हो, तो वो खेती नहीं कर पाएगा। मौसम का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है, तरकीब के साथ उससे हल जोतना पड़ता है, सूरज चांद और सितारों की गति का सामान्य ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। शहर का रहने वाला बड़ा बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी जब देहात में जाता है तो नितांत दिन बन जाता है। खेतिहर बता सकता है कि बीज कैसे बोया जाता है, वह आसपास के पेड़ पौधे और जानवरों को ज्ञान रखता है। खेतिहर तारों की स्थिति से रात को भी दिशा मालूम करते हैं, पक्षियों की बोली और उनकी गतिविधियों से बहुत सी बातें जान लेते हैं। जब कोई पक्षी इकट्ठे होकर कोलाहल मचाते हैं तो वे उसके बारिश का अनुमान कर सकते हैं। यानी किसान को इतना हर चीज़ पता होता है कि वो उसे मिट्टी की भी पहचान होती, मौसम की पहचान होती है, उसे हल भी जोतना पड़ता है, सूरज चांद और सितारों की गति का भी उसको ज्ञान रहता है। शहर का बुद्धिमान व्यक्ति भी जब गांव में जाता है और चतुर मनुष्य भी जब देहात में जाता है तो वो भी गांव के जो माहौल को देखकर वो क्या हो जाता है, वो भी वैसा ही होने लगता है। खेतिहर बताते हैं कि बीज कैसे बोया जाता है, उसे पेड़ पौधे का भी पता रहता है, उसे जानवरों का ज्ञान होता है कि कौन सा जानवर ये फसल खा जाएगा, कौन सा नहीं खाएगा, किस समय जानवर आएंगे, किस समय नहीं आएंगे, हर चीज़ का ज्ञान होता है उनको। वो तारों की गति से भी रात और दिन का पता बता देंगे, पक्षियों की बोली से वो बता सकते हैं कि अभी क्या होने वाला है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी। जब पक्षी कोलाहल करते हैं तो समझना चाहिए कि बारिश होने वाली है। अब आगे देखो, आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग बुक में फिर से दोबारा रीडिंग ले लीजिएगा, खुद पढ़िएगा। मैं वैसे रीडिंग से ये आप लोगों को समझा रही हूँ। खेतिहारों के जीवन क्रम में यह बात मालूम होगी कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए और श्रम भी इस खूबी के साथ होना चाहिए कि इसके साथ ही साथ मानसिक शक्ति को भी व्यायाम मिले। आजकल व्यापारियों को मानसिक व्यायाम बहुत करना पड़ता है, परंतु यह निरा इकहरा है। खेतिहरों के समान ये खगोल भूगोल और इतिहास नहीं जानते, उनसे बाजार दर वगैरह पूछ लीजिए, वे यह भी नहीं जानते कि कैसे ग्राहक के माथे पर माल मढ़ना होता है। पर इससे मन की शक्ति का पूर्ण विकास नहीं होता, शरीर को कुछ हिलाना डुलाना यह कोई मेहनत नहीं है। खेतिहर के जीवन क्रम से यह मालूम होता है कि मनुष्य को 8-10 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, श्रम भी इस खूबी के साथ होना चाहिए कि साथ ही साथ मानसिक शक्ति का भी व्यायाम मिले। आजकल व्यापारियों को मानसिक व्यायाम बहुत कम करना पड़ता है, व्यापारियों को क्या है, मानसिक व्यायाम बहुत कम करना पड़ता है, इन्हें खगोल भूगोल इतिहास इन सब की कोई जानकारी नहीं होती, उनसे बाजार दर वगैरह भी पूछ लीजिए तो ये भी नहीं पता होता, वे ये भी नहीं जानते कि कैसे ग्राहक को कैसा माल देना है। पर इससे मन की शक्ति और पूर्ण विकास नहीं होता, शरीर को कुछ हिलाना डुलाना या कोई मेहनत नहीं है। शरीर को हिलाना डुलाना यह कोई मेहनत नहीं है। पाश्चात्य देश वालों ने ऐसे लोगों के लिए क्रिकेट आदि खेलना लाभकारी बताया है। जो लोग मानसिक व्यायाम नहीं कर पाते उन लोगों के लिए देश में क्या बनाया गया है, क्रिकेट खेलना। एक मार्ग यह है कि वर्ष में सारे त्यौहार
मनाकर त्यौहार के दिन विशेष प्रकार के खेल खेलना और मानसिक व्यायाम के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़ना जिनसे दिमाग पर बोझ न पड़े, इस मार्ग को जरा देखना चाहिए। खेल के समय नष्ट करने से व्यायाम तो होता है, पर अनेक उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यायाम से मनुष्य का मन उन्नत नहीं होता। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे ऊंचे दर्जे की मन सामर्थ्य हो। हिंदुस्तान में जो खिलाड़ी आज हैं उनके मनोबल की क्या कैफियत है। इसके विपरीत जिनसे उत्तम मानसिक शक्ति है उनसे खेल खेलने वाले कितने लोग हैं। अनुभव तो यह गवाही देता है कि उत्तम मनःशक्ति वाले पुरुष कम खिलाड़ी होते हैं। विलायत के लोग ने आजकल खेल पर बड़ा जोर दिया है, पर ऐसे लोगों को उन्हीं के महाकवि किपलिंग ने अकल के दुश्मन कहकर पुकारा है और कहा है कि ये इंग्लैंड के बैरी होंगे। हमारे हिंदुस्तान के मनःशक्ति वालों ने दूसरा ही ढंग अख्तियार किया है कि ये लोग मानसिक श्रम खूब करते हैं और उसके मुकाबले वे शारीरिक व्यायाम कुछ भी नहीं करते। ऐसे लोग बहुत जल्द मर जाते हैं, कोई न कोई रोग इन्हें शरीर को घेरे रहता है और उनका अनुभव देश के लिए लाभकारी होने योग्य भी नहीं हो पाता कि वे देह त्याग देते हैं। उसी जिस प्रकार व्यायाम से कोई काम नहीं निकलता, यानी खेल कूद वह भी ठीक नहीं, जिस व्यायाम से शरीर और मन दोनों एक साथ श्रम कर पाते हैं वही यथार्थ व्यायाम है। और ऐसा व्यायाम करने वाला मनुष्य ही आरोग्य भोग सकता है, ऐसा मनुष्य खेतिहर ही हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोग खेती और खेतिहर होते हैं उनका शारीरिक मानसिक सारा व्यायाम हो जाता है, लेकिन जो लोग सिर्फ खेल कूद में रहते हैं, शरीर हिलाने डुलाने से कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका वो व्यायाम कर रहे हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। तो इस वजह से ना वो खेल कूद पे ही निर्भर रहना ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि शरीर को परिश्रम करना। तब जो मनुष्य खेतिहर नहीं है वे क्या करें? क्रिकेट आदि से होने वाला व्यायाम तो ठीक नहीं है। तब कोई ऐसा व्यायाम ढूंढ निकालना चाहिए जिससे खेतिहर को मिलने वाले व्यायाम का काम हो जाए। व्यापारी और लोग अपने मकान के आसपास वाटिका लगा सकते हैं और उनमें 2-4 घंटे खोदने का काम कर सकते हैं। फिर करने वालों को अपने काम में ही व्यायाम मिल जाता है। अगर आप दूसरे के मकान में रहते हैं तो आपके मन में यह शंका न उठनी चाहिए कि हम इनके साथ इनके खेत में जाकर कैसे और क्यों काम करें। यह प्रश्न उठना मन का छोटापन है। चाहे किसी के भी खेत में जाकर खनन का काम करने से हमारा फायदा ही होगा, अपना घर दुरुस्त होगा और परिश्रम से दूसरे का खेत बनता हुआ देखकर मन को आह्लाद होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि खेती जो लोग करते हैं उनका व्यायाम पूरी अच्छे तरीके से हो पाता है, जो लोग खेती नहीं करते हैं उनका व्यायाम नहीं हो पाता है। इसलिए खेत में थोड़ा टाइम देना चाहिए हर इंसान को, थोड़ा बहुत अपने आसपास बाग बगीचे हर चीज़ में खुदाई का काम करना चाहिए। तब उससे क्या होता है, शारीरिक मेहनत हो जाता है और जिससे कि हमारे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। जिन्हें खेत में काम करने का मौका न मिलता हो उन्हें हो या जिन्हें काम करना पसंद न हो उनके लिए दो बातें यहाँ लिखना जरूरी है। खेतों में काम करने के बाद मेहनत का काम चलना है। इस व्यायाम को सब व्यायामों का राजा कहा गया है और वह बहुत सही है। हमारे यहाँ के साधु और फकीर बहुत दुरुस्त होते हैं, इसके तंदुरुस्त होते हैं इसके अनेक कारणों में यह भी एक कारण है कि वे गाड़ी घोड़ा और किसी सवारी से काम नहीं लेते। थेरो नामक एक विख्यात अमेरिकन हुआ है, उसने चलने के व्यायाम पर एक बहुत ही विचारणीय ग्रंथ लिखा है। उसने लिखा है कि जो मनुष्य फुर्सत न मिलने का बहाना
बहाना कर मकान से बाहर नहीं निकलता और लिखने पढ़ने का काम करता है, उस मनुष्य के लेख भी वैसे ही बीमार होते हैं जैसा बीमार वह खुद होता है। उसने अपने मन अनुभव से लिखा है। मैंने जिन दिनों अपनी अच्छी से अच्छी पुस्तक लिखी उन दिनों में अधिक से अधिक चला करता था, प्रतिदिन 4-5 घंटे चलने में कुछ समझता ही न था। यानी कि अमेरिकन एक जो है कवि वो लिखे हैं, अमेरिकन एक लिखे हैं कि जो लोग चलते नहीं हैं तो उनका व्यायाम नहीं हो पाता है। चलना एक बहुत बड़ा व्यायाम है। जो मैंने उनका कहना है कि जो लेखक ही हैं, जो घर में चुपचाप बैठ के पढ़ा लिखा करते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं और बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, वो बहुत बड़ा बीमार आदमी होता है। क्योंकि जो चलता फिरता है उसका लिखा हुआ भी बहुत अच्छा होता है, जो नहीं चलता फिरता है वो लिखता पढ़ता भी अच्छे से नहीं है। हम अपने मानसिक कार्य का ठीक अंदाज नहीं लगा सकते, जिससे यह नहीं मालूम होता कि शारीरिक व्यायाम न करने की हालत में हमारा काम जितना रद्दी और निकम्मा होता है। चलने से शुद्ध हवा मिलती है और बाहर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। एक ही जगह में या गली कूचे में न चलना चाहिए, खेतों और पहाड़ों के रास्ते चलना चाहिए। ऐसा करने से दृष्टि सौंदर्य का महत्व हमारे मन में कुछ न कुछ बैठ जाता है और 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता। 10-12 मील चलें तो काफ़ी व्यायाम होता है। रोज़ रोज़ जिससे यह न बन पड़ता हो वह सप्ताह में 1 दिन रविवार को खूब चल सकता है। एक रोगी एक वैद्य के पास दवा लेने गया। वैद्य ने उसे रोज़ पैदल सैर करने की सलाह दी। रोगी ने कहा, मुझमें चलने फिरने की ताकत बिल्कुल नहीं है। वैद्य ने ताड़ लिया और यह रोगी डरपोक है। वैद्य ने उससे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और रास्ते में खास मतलब से चाबुक नीचे सड़क पर डाल दिया। मुरब्बत के ख्याल से रोगी को चाबुक उठाने के लिए एक गाड़ी से उतरना पड़ा। त्यों ही वैद्य ने गाड़ी जोर से हाँक दी। रोगी को गाड़ी के पीछे पीछे हाँपते हुए दौड़ना पड़ा। रोगी के खूब दौड़ने पर वैद्य ने गाड़ी फेरी और रोगी को गाड़ी में बैठा लिया और कहा, तुम्हारे लिए चलना ही दवा है। वैद्य की निर्दयता का आक्षेप सहकर भी रोगी को चलना ही पड़ा। रोगी को खूब भूख लगी हुई थी, जिससे वह चाबुक की बात भूल गया। उसने वैद्य का धन्यवाद दिया और घर जाकर संतोष के साथ भोजन किया। जिन्हें चलने की आदत न हो और जिनसे अपच या उससे होने वाली कोई भी बीमारी हो, उन्हें मैदान में चलने का उपाय आजमाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सारे व्यायाम में चलना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम है। यानी कि इसमें एक उदाहरण के साथ बताया गया है कि जब एक रोगी एक वैद्य के पास गया और वो मतलब अपनी बीमारी का समस्या बताया, तो वैद्य जी ने बताया कि तुम्हारे लिए चलना ज़रूरी है। वो बोला, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वैद्य जी ने एक दिन अपनी गाड़ी में बैठाया और चाबुक नीचे गिरा दिया और बोला कि चाबुक ले आओ। वो जैसे ही चाबुक लेने गया कि वो गाड़ी आगे बढ़ा दिए, तभी दौड़ने लगा गाड़ी के पीछे पीछे कि मुझे बैठा लो, मेरे से नहीं चला जाएगा। तो वो हाँपने लगा। फिर कुछ दूर चलने जाने के बाद वो वैद्य जी फिर गाड़ी में बैठा लिए। अब वो इतना मतलब दौड़ने के बाद भूखा हो गया कि भूख लगी उसे कि वो भूल गया कि ये चाबुक वैद्य जी ने किया था, ऐसा हमारे साथ मतलब निर्दयी वाला काम किए हैं। वो घर जाके खाया पिया और फिर उसे सलाह दी गई रोज चलने के लिए। तो यानी कहने का मतलब है इस कहानी में सबसे बड़ा व्यायाम है खेतों में काम करना, खुदाई बुआई का काम करना, वो सबसे बड़ा व्यायाम है। उससे मानसिक शारीरिक सारे व्यायाम हो जाते हैं। और साथ में अगर हम कोई व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो हमें चलना चाहिए, 2-4 किलोमीटर हमें रोज चलना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है, ये सारे इस चैप्टर का पूरे का निचोड़ ये है कि व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे शारीरिक मानसिक विकास के लिए तो हमें थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम करना जरूरी है और चलना फिरना जरूरी है। धन्यवाद। अब आगे दिन आज तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दी हूँ, आगे आपको मैं ये बताऊँगी, आगे आप क्वेश्चन आंसर बताऊँगी, आप लोग शब्दार्थ लिख लेंगे।